पवित्र जन्मभूमि को इक्ष्वाकु वंश प्रभोराम नाम जननी हशुरः नीलतात्मा महावीरो द्युतिमान धृतिमान वशी। तो मर्यादा के समस्त सर्वोच्च मापदंड स्वतः परिभाषित और स्थापित हो जाते हैं। फिर भी मैं उन आदर्शों को बार बार रेखांकित करता हूँ जो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। और वीरों की मर्यादा को नहीं
जाने दे रहे हैं। आज राम अयोध्या पधार रहे हैं, संग में संगिनी सीता है। नगर भर में सीता के सौंदर्य और सिया राम की अनुपम जोड़ी के वर्णन हो रहे हैं, परंतु विधि का ध्यान तो कुछ और ही संकेत दे रहा है। कैकेयी हठ ठान बैठी है, अयोध्या के सिंहासन पर भरत बैठेंगे और राम 14 वर्षों के वनवास को जाएंगे। प्रसन्नता अप्रसन्नता के भाव से परे राम नगर छोड़ चल पड़े वन को। राम केवट को निषाद राज की उपाधि से अलंकृत करते हैं, दोनों समान है इसका बोध कराते हैं एवं गंगा पार कराने के लिए विनय पूर्वक आग्रह करते हैं। राम मानव समाज में ऊंच नीच के भेद को नकारते हैं। राम चित्रकूट में अपना सुंदर संसार बसा चुके हैं, उधर कुटुंब एवं अयोध्या वासियों समेत भरत राम को मनाने अयोध्या से चल पाए हैं। चित्रकूट में भरत को परम स्नेह से सिंचित करते हैं राम। राम सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट से आगे चलकर पंचवटी में जीवन का आनंद ढूंढ लिया है। अब इस राम कथा में मैं राक्षसी कन्या शूर्पणखा का प्रवेश दे रहा हूँ। शूर्पणखा के प्रणय वेदन को तो कोई सामान्य विवाहित पुरुष भी अस्वीकार कर देगा, ये तो राम है। तो क्या लक्ष्मण स्वीकार करेंगे शूर्पणखा का प्रणय वेदन? करार भी नहीं। शूर्पणखा के नासिका विच्छेद के साथ ही शूर्पणखा अध्याय का अंत हो जाएगा, संशय है मुझे। उधर माता सीता ने राम के सामने स्वर्ण मृगजाल प्राप्त की लालसा प्रकट कर दी है। राम स्वर्ण मृग की सत्यता जानते हैं, परंतु वरवचन की प्रतिज्ञा को धारण करने वाले राम सीता के आग्रह को ठुकरा ही नहीं सकते। मारीच शत्रु है, उसका भेद प्रकट हो गया है, परंतु राम उसे शत्रु भाव से किंचित नहीं देखते। वैकुंठ धाम जाने की उसकी इच्छा भी पूरी करते हैं। माया ईश्वर की सत्यता लक्ष्मण भी नहीं जान पाए। सीता अपनी कुटिया में अकेली पड़ गई है। सीता लांग गई है लक्ष्मण के हाथ, अपनी जाल में सफल हो गया है। वियोग के क्षण में भी राम न धैर्य खोते हैं न धर्म, पहुंचे हैं शगम के आश्रम। सीता का पता पूछना तो एक उद्देश्य है ही, शबनी को उनके हीन मनोभाव से मुक्त कराना ही राम का उद्देश्य है। भगवान भी अपने नन भक्तों को ढूंढने की लालसा रखते हैं। सीता को
घूमते पर्वतमालाओं पर विचरण करते राम किसी भाव में प्राप्त कर लेते हैं अपने अनन्य भक्त हनुमान को एवं सुग्रीव को। आएंगे कब राम रक्षा को सीता का विश्वास और प्रबल हो गया। रावण राक्षस कुल का है परंतु साधारण लोग था नहीं है। ऊपर से उच्च कोट का कांड बंद है और शिव का अनन्य निवासक भी। रावण की स्वर्ण जड़ लंका की दमन राम की भक्ति और प्रतिबद्धता से भरे हनुमान के बोझ के आगे आनंद बढ़ जाती है। हनुमान की युक्ति काम आती है। रावण का स्वर्ण भवन एवं स्वर्ण सज्जित लंका जलकर स्वाहा हो जाती है। लंका में भीषण युद्ध छिड़ चुका है। रावण की सेना के एक एक महारथी राम के हाथों मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं परंतु राम अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट है। राम का लक्ष्य है सत्य की स्थापना। युद्ध के मैदान में यह कैसी अशुभ घड़ियां हो गई है। मूर्छित लक्ष्मण की रक्षा के लिए संजीवनी आना संभव भी है या नहीं। जो हृदय में धैर्य है राम की भक्ति उस हनुमान के लिए क्या संभव क्या असंभव। राम को बोध है रावण के अवगुणों का। राम दंड करेंगे रावण को और खंडित करेंगे दंभ उसका। सत्य शक्ति और रावण का पराक्रम टकराएंगे। क्या होगा परिणाम आज व्याकुल है देव सभी। राम ने मारे एक साथ 31 बाण। कट गए रावण के समस्त सिर सूख गया नाम का अमृत कुंड। गिर गया दशानन धरती पर। जय घोष उठा है देव लोक से।